हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड, टैरो कार्ड के रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, लियो का निकाल रही हूँ। आपके गॉड आपसे क्या चाह रहे हैं, ऑल रिलीजन के लिए है और करियर लाइफ, लव लाइफ, बोथ का देख रहे हैं, और क्या आपके गॉड कहना चाह रहे हैं आपसे और आप क्या कर रहे हो। चलिए पॉजिटिव रहना फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कैसे क्या है, चल रहा है आपकी लाइफ में और क्या करना है। लियो की लाइफ में क्या चल रहा है गॉड, आप बताएं उनको। जो बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनको अभी करियर को लेके बहुत परेशान हो रहे हैं, फाइनेंस को लेके मुझे ऐसा लग रहा है बहुत परेशान हो रहे हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है कि आप देखो, मैन होल्डिंग अ कॉइन का आया है कार्ड, तो मैं ये कहूँगी। और पीछे देखो कितना ग्रीनरी कलरफुल है। तो अगर आप कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे थे या फिर कुछ भी ऐसा करियर को लेके सोच रहे थे या जॉब या बिजनेस, तो बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। इन केस जब भी आप देखेंगे, एटलीस्ट आफ्टर 7 मंथ आपका ज़रूर पूरा होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। और फाइनेंस में अब जब देखना शुरू करेंगे, अभी और भी कार्ड्स आ रहे हैं, लेकिन फाइनेंस में आफ्टर 7 मंथ आप जो चाह रहे हो ना अपने, कि अभी कुछ लेना या कुछ खरीदना चाह रहे हो और नहीं खरीद पा रहे, ऐसा कुछ है, तो वो सारी चीज़ें आप लेने वाले, ठीक है लियो, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आया है। और आपको बहुत अप्रिशिएशन मिलने वाला है। अगर आप, हो सकता है किसी के पार्टनर ऐसे हो जो अभी टच में है, नहीं है, उनको भी, आपके पार्टनर को भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो करियर को लेके बहुत परेशान हो रहे हैं। इस वजह से अगर नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं बहुत कोई, तो आपको, लेकिन गॉड कह रहे हैं कि आपको अप्रिशिएशन मिलेगा क्योंकि आपने उनको साथ दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं साथ दे रहे हो आप, और एक्शन में हो आप लोग, दोनों ही एक्शन में हो, ठीक है। मुझे ऐसा मोस्टली का लग रहा है लियो कि आप लोग बिल्कुल एक्शन में हो, चाहे वो लव लाइफ का हो, करियर लाइफ का हो। परेशानी पास्ट में मुझे लग रहा है लास्ट 8 मंथ से बहुत ज्यादा परेशान थे आप, हो सकता है जनरल रीडिंग है, और या फिर बहुत लंबे टाइम से भी है, लेकिन आप एक्शन रुके नहीं। सबसे खुशी की बात है कि गॉड कह रहे हैं कि तुम रुके नहीं, आप रुके नहीं और आगे बढ़ते ही रहे, है ना। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आई, आप घबराए नहीं उस चीज से, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आई है आपके लास्ट, मुझे लग रहा है 7 to 8 months अब हो रहे हैं। और लेकिन जो मैंने बताया कि आफ्टर 7 month आपके लाइफ में बहुत चेंजेस होंगे, और हो सकता है, मुझे लियो आपका लग रहा है मुझे किसी से बहुत ज्यादा अटैच हो, चाहे कोई भी हो सकता है, वो अपना आपका मम्मी हो सकती है, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपका कोई पार्टनर है ऐसा जिसके साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है आपका, और वो आपको बहुत यानी हेल्प करेंगे ऐसा मुझे लग रहा है, कोई भी हो सकता है वो। और सबसे खुशी की बात है, देखो सन का कार्ड आया है, तो सनराइज आपके लाइफ में हो रही है। आपने बहुत दुख, यानी ऐसा लग रहा है कि लियो रोए हो मुझे पास्ट के कुछ मंथ्स में, बहुत दिन तक, यानी अकेले बैठ के ऐसा लग रहा है मुझे कुछ दुखी हो रहे थे बहुत ज़्यादा बहुत दिन से। तो आपके गॉड आपसे कह रहे हैं कि दुखी नहीं होना है, सनराइज हो रहा है। एक अंधकार था आपके लाइफ में, कुछ डेविल एनर्जी थी, ठीक है, कोई डेविल एनर्जी थी जो आपको परेशान कर रही थी। आपके आसपास कोई ऐसा इंसान था जो आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाह रहा था, ठीक है। लेकिन देखो, आपके सर पे जो कहते हैं ना, गॉड का हाथ है, एंजल ऑफ लव, बहुत प्यार से वो सराहते हैं आपको, ऐसा मुझे लग रहा है। और आपका थर्ड चक्रा जो है बहुत एक्टिव हो गया है अब इस वजह से, और आप जो है, जब आप शांत बैठते हो ना लियो, तब तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं, उसके बाद आप उसको कैलकुलेट करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। उस कैलकुलेशन के बाद अब आप, क्योंकि देखो सन का है कार्ड है और उसका 19, यानी ऐसा मुझे लग रहा है कि जो बहुत दिनों से परेशान थे, बहुत दिनों से, यानी 8 मंथ से भी ज्यादा, उनके लिए मैं कहूंगी कि अब हो गया, जो होना था हो गया लियो। और जब भी आप देखेंगे, मैंने पहले ही बता दिया कि 7 मंथ्स के बाद आपके लाइफ में यानी कि फाइनेंस का कहीं कुछ प्रॉब्लम था, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब से आप देखेंगे, तब से धीरे धीरे और यानी ग्रो करोगे आप, ठीक है। इनकेस कोई एग्जाम्स दे रहे थे और नहीं हो रहा था, ऐसा परेशान हो रहे होगे, तो अब चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप घबराना नहीं है, होगा ज़रूर, ठीक है। और लव के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, देखो थिंकिंग में आपको कोई, आप लोग किसी के बारे में सोच रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है किसी के बारे में सोच रहे हो, तो वो भी आपके बारे में सोच रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। और जब वो सारा काम करके फिनिश करता है ना, आपका पार्टनर या कोई भी गर्ल हो, बॉय हो, उनके लिए मैं कहूँगी,
तो आपके लिए ना वो सोचते हैं कि क्या वो मेरा रिश्ता पहले वाला ही सही था या अभी सही था, क्योंकि इन डिसीजन का भी कार्ड आया है। तो उन्हें ऐसा लगता है अगर जो जिनका छोड़ के चले गए उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी कंफ्यूज हैं। ठीक है, और देखो उसके बाद कार्ड आया पेशेंस का। आपने बहुत पेशेंस लियो, बहुत जगह रखा है फाइनेंस को लेके, फाइनेंस का लेके रखा था कि क्या होगा क्या नहीं। तो डोर टू वैल्यू, आपकी वैल्यू अब आपको पता चलेगी। और चाहे आप जॉब के लिए देख रहे हो, करियर के लिए, तो मनी प्रॉब्लम आपका सारा सॉल्व हो रहा है। और एक हैप्पी फैमिली, देखो हैप्पी फैमिली का कार्ड आया। ठीक है, एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, गर्ल एंड बॉयज जो भी हैं, देखो आप होल्डिंग अ कॉइन। मैंने कहा ना करियर को लेके बहुत कर लियो परेशान हो रहे थे आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। तो फाइनेंशियली तो डोर टू वैल्यू आ गया है आपका, बिल्कुल समय आ चुका है और मेहनत करेंगे बिल्कुल होगा। ठीक है, अब जो परेशान हो रहे थे ना होगा नहीं होगा, बहुत कई मुझे क्वेश्चंस देते हैं, मैम इस मंथ में एग्जाम है मेरा, होगा कि नहीं होगा। पॉजिटिव होकर एग्जाम जरूर दें और चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर खुलेगा। और पेशेंस आपने बहुत रखा हुआ है, बहुत रखा है पेशेंस। आप अपने इंट्यूशंस पे जरूर ध्यान दें कि आपके लिए क्या बेस्ट है। ठीक है, ईयर फ्रॉम नाउ का है बिल्कुल, यानी लियो आपके लिए मैं ये जरूर कहूंगी कि समय आ चुका है आपका। ठीक है, आपके गॉड आपसे कह रहे हैं कि समय आ गया और बहुत धैर्य रखा, बहुत पेशेंस रखा, बहुत परेशान हुए हो आप, लेकिन और उस वजह से आप ना थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन में आ चुके हैं बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है। लियो जिस भी रिलीजन से आप हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है मेडिटेशन बहुत कर रहे हैं तो वो वर्क कर रहा है आपका। ठीक है, इन द नियर फ्यूचर भी आ गया है और ईयर फ्रॉम नाउ भी कार्ड आ गया है, तो खुश हो जाएं, आपके लिए कार्ड्स लिए बहुत अच्छे हैं। जब भी ये देखेंगे आप तो आपको मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी ही हर काम, हर प्रॉब्लम सॉल्व। जब मैरिज नहीं हो रही थी तो आपके गॉड कह रहे हैं कि पेशेंस रखा हुआ था आपने, तो इस वजह से अब बहुत कुछ चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में और खुशियाँ आ रही है। ठीक है, बिल्कुल कुछ लाइफ का ऐसा मिस्ट्री पार्ट है आपका पास्ट का। ठीक है, जो कहते हैं अनसुलझे रहस्य जीवन के, वो आपको ही पता होगा लियो। लियो आपको पता होगा कि आपके लाइफ में आपने पास्ट में क्या क्या देखा है दिन। ठीक है, वो सारे जो पास्ट का था अब वो खत्म हो गया, एक ओपनिंग आपके लिए हो रही है, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। देखो दो दो डोर का कार्ड आया है, मैंने अभी दिखाया था आपको, फाइनेंस को लेके भी आया है और उसमें भी आया था, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कहीं दिखा, ये देखो डेक में था इसमें, ये देखो डोर टू वैल्यू और ओपनिंग अ डोर, यानी सारे जो कहते हैं ना दरवाजे, ये भी देखो फोर नंबर है, ये भी फोर, यानी आफ्टर 4 मंथ्स बहुत जो परेशान हो गए ना किसी किसी के लिए, तो मैं जरूर कहूंगी 4 मंथ्स में तो बहुत ज्यादा आपके लिए एक रास्ता ही खुल रहा है, चाहे मैरिज के लिए हो या करियर को लेके परेशान हो रहे थे, फाइनेंस को लेके परेशान हो रहे थे, तो एक रीबर्थ आपका, फिर से एक नया जन्म जो कहते हैं ना, पूरा टूट के बिखर चुके थे अगर आप लियो तो उनके लिए मैं जरूर कहूंगी कि एक नई शुरुआत करेंगे। आपने पेशेंस बहुत रखा हुआ था कि मेरा ठीक होगा और बहुत, और आप लोग बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी चले गए हो अब, इस यानी कि डिवाइन से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो चुके हो ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं और वो क्या कह रहे हैं, आपके गॉड आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन, कहीं भी कुछ भी काम करें तो थोड़ा सा अपना ना ब्रेन को चलाएं कि कहाँ आपके आपके अंदर क्रिएटिविटी है। चॉइसेस मिलेंगे आपको हर चीज़ के लिए, जॉब के लिए भी, मैरिज के लिए, और विजडम आ रही है आपके अंदर तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लें, इसमें आपकी भलाई है। और चॉइसेस आ रहे हैं तो उस चीज़ को अच्छे से समझ के कर लें और पॉजिटिव रहना है। सारे कार्ड्स आ गए हैं, आपके गॉड आपसे कह रहे हैं पेशेंस रखा हुआ था तो उसका फल जरूर मिलेगा, सब्र का फल मीठा होता है ऐसा मुझे लगता है और मिलता भी है। ठीक है लियो, आपने सब्र बहुत रखा था तो वो फल अब पक चुका है और मिलने वाला है। पसंद आता तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि किसी और को बुलाओ। फ्रेंड्स थैंक यू।